बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है सबके। वेलकम बैक टू अर्बिशन समरा अमर व्लॉग्स। मैंने नाम चेंज कर दिया तो अच्छा। ये यहाँ पर मैं जो है चौथे पांचवें दिन जो है पापा किससे मिलने आई थी, क्योंकि रोज़े स्टार्ट हुए थे उसके बाद से मिलना ही नहीं हुआ था। तो पापा कह रहे थे मैं आने ही वाला था, सो बस यहाँ पर जो है मैं पापा से मिलने आई थी। और यहाँ पर एक मैकेनिक अपनी गाड़ी ठीक कर रहा है, तो ये जो है ना बस कुछ ना कुछ लगे रहते हैं। और माशाल्लाह से बड़े बड़े हो गए हैं, तो अपने जो है ना इनकी शरारतें भी बढ़ती जा रही हैं। सो ये दादा के साथ साथ थे, और मेरे आते ही जो है पापा ने फौरन कॉल मिला दी अम्मी को। फिर हमने बात वगैरह की और सब बच्चों को ही टॉफियां बांटी, तो फिर मैंने भी जो है पापा से टॉफियां मंगवाई, खूब सारी टॉफियां बांटी। तो बस यहाँ पर जो है हसन अपनी नानी कैसे आए वो उनसे मिले जा रहे हैं, और इतना शोर शराबा मच गया था, हसन इतना खुश हो गए थे घर आके। सो बस ये था। और मैं असल में आई थी कबाब भी पीसने थे, क्योंकि मेरा चॉपर हुआ है ख़राब। सो यहाँ पर जो है पापा को निकाल के दे रही थी, क्योंकि जब तक पापा एक टेस्ट ना करें ना तो उनको फिर मज़ा नहीं आता है। और यहाँ पर मेरा ड्रेस भी सिल के आ गया जो मैंने आपको दिखाया था, वो मेरी भाभी मुझे दे रही थी। और चले फिर जल्दी से कबाब बना लेते हैं। कबाब में मैंने प्याज़ और पुदीना डाला है, बाकी जिस तरह से सब बनाते हैं उसी तरीके से होता है। गरम मसाला वगैरह डलता है, गोल मिर्च डलती है, लहसुन और अदरक डलता है, नमक डलता है, बस हल्का फुल्का से मसाले होते हैं और बड़े मज़ेदार से शामी कबाब तैयार हो जाते हैं। और मैं इसमें अंडा डालती हूँ। वैसे हम लोग जब अपने घर में थे तो उस वक्त जब हम चावल पीस के डालते थे तो सबका अलग अलग तरीका होता है। चावल इसलिए पीस के डालते थे क्योंकि अंडे से मेरे भाई को एलर्जी है। सो लेकिन अब मैं डालती हूँ तो इससे बड़े अच्छे से बन जाते हैं। लेकिन इस दफ़ा जो है गोश्त ज़्यादा हो गया था, तो बड़े ही कोई मोटे मोटे से शामी कबाब बने थे। तो बस अफरा तफरी वाले जो है ना काम ऐसे ही होते हैं। फिर रमज़ान भी थे और सब चीज़ें साथ साथ चल रही थी। आप लोग बताइए आप लोग के रोज़े कैसे चल रहे हैं। हमारे तो बस ठीक ठीक ठाक चल रहे हैं, लेकिन बस थकन बहुत हो जाती है, क्योंकि बच्चों के साथ साथ पेपर भी चल रहे हैं। उसके लिए मुझे जो है जागना पड़ता है 7 बजे तक, तो 7 साढ़े 7 बजे तक, तो उससे जो है ना थोड़ी सी थकन हो रही है। लेकिन यह है कि बस नींद पूरी हो जाती तो फिर सेट हो जाते हैं। और अम्माएँ जो है ना पढ़ नहीं सकती कि थकन हो रही है कुछ भी है, लेकिन अफ्तारी भी टाइम पर चाहिए, सहरी भी टाइम पर चाहिए, तो सब कुछ चल रहा है साथ साथ। नमाज़ें से पारे सब कुछ चल रहे हैं। बस यही इसी इस महीने की जो है ना यही बरकतें हैं और यही रहमत के है। थकता नहीं है, बस अल्लाह के कामों में भी लगा रहता है, घर के कामों में भी लगा रहता है। तो करते करते देखें कबाब बन चुके हैं, वो मैंने फ्रीज़र में रख दिए और आज मैं कबाब ही बनाऊंगी सहरी में। तो आज आपसे सहरी और अफ्तारी शेयर करते हैं। अफ्तारी की कोई रेसिपी मैं नहीं दे पाती क्योंकि मोबाइल स्टैंड नहीं है और मोबाइल पकड़ने वाला भी कोई नहीं है। तो फटाफट से जो है सबके यहाँ जिस तरह से रेसिपीज़ बनती हैं उसी तरह से बनती हैं, और बस मैं बना के आपको दिखा देती हूँ। तो अभी मैं पराठे बना रही हूँ जल्दी जल्दी से, और पराठे जो है परत वाले बनाती हूँ मैं, जब क्योंकि अभी ज़रा टाइम होता है। और मैं गैस की इतनी परेशानियाँ चल रही हैं कि मुझे जल्दी उठना पड़ता है और जल्दी जल्दी से सारे काम करने पड़ते हैं ताकि गैस ना लो हो जाए। हमारे यहाँ जब गैस कब लो होती है, जब हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है, 6 बजे के बाद जब ज़्यादा फ्राइंग का काम होता है जब हमारी गैस कम हो जाती है, और जब सहरी बनाने का टाइम होता है 4 बजे के बाद जब हमारी गैस लो हो जाती है। तो ये मसले मसाइल हैं, तो मैं उससे पहले ही उठ जाती हूँ, जल्दी से अपने काम कर लेती हूँ। तो ये यहाँ पर जो है मैं दिखा रही थी, अनाया जो है पेपर देकर आई और बेचारी जो है फ़ौरन से सफाई कर देती है मेरी बच्ची, काम की है बहुत, जल्दी से साफ़ करके गई थी। तो फिर मैंने बाकी का काम कर लिया था, ट्यूशन चले गए थे और ये ट्यूशन से आ गए हैं, और आके जो है थोड़ा सा रिफ़्रेश हो रहे हैं, जूस वगैरह रखे थे वो पी रहे हैं, और थोड़ा सा बस यहाँ पर बच्चे जो है ना खेल कूद में लग गए थे आते ही, क्योंकि उनको आज बड़ा अच्छा मूड था। सब अपने अपने टेस्ट देकर आए हैं और अपना खेल में लगे हुए। सो यहाँ पर जो है ना इस तरह से टाइम गुजर जाता है। और यही छोटे छोटे बच्चे थे जिनके साथ मैंने काफ़ी टफ टाइम गुजारा था जब ये छोटे हुआ करते थे, तो जाहिर है ट्विंस भी थे, तो उनको भी देखना, अफ्तारी सहरी सब कुछ देखना, और टाइम पर सारे काम करने पड़ते थे। तो बस यही है, इसी तरह से लाइफ गुजरती है और इसी तरह से फिर याद आते पुराने टाइम। तो बस यहाँ पर खेल कूद हो रहा था तो अपनी कज़न के साथ खेलने चले गए थे, तो हमने जब तक से पारा पढ़ लिया है और नमाज़ पढ़ ली अरबिश और मैंने, और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ अफ्तारी का क्या हाल है। अफ्तारी में आज मैंने आलू के समोसे बनाए थे, अच्छे बने थे, और मेरे हस्बैंड पूछ रहे थे ये कहाँ से आए, मैंने कहा आपको अपनी बीवी पर भरोसा नहीं, मैंने बनाए। तो खैर फिर मैंने छोले बनाए थे, और यहाँ पर सहरी भी चढ़ गई क्योंकि अफ्तारी के बाद भी थोड़ी गैस लो हो जाती है। गैस गैस गैस, अब हमारी ज़िंदगियों में सिर्फ गैस का काम ही रह गया बस। अच्छा चले फिर, आज मैं थोड़ी जल्दी फारिग हो गई थी तो फिर चलते हैं छत पे, सब छत पे हैं, अबूजर आए हुए। अच्छा हमारे को पापी नहीं पुप्पो पो कहाँ कहाँ मुन्नु कहाँ में हुई हुई जी कोको खा रही है, वाटरमेलन खा रही है, वो मामी कह रही है इसको पीछे करवा देना। कहाँ हुआ
हेलो रोजा है लग रहा है, एक इश्तेहार आता था रोजा है लग रहा है। वो देखो कीले मिले ना, उधर पकड़ो उसको वो लो। सो वैसे मैं बस एक राउंड मारने गई थी और बिश को बुलाने गई थी कि एक प्लेटर बना दिया है तो वो अपनी ताई के यहाँ देकर आ जाए, क्योंकि रोज़ाना एक प्लेटर बना के मैं भेज देती हूँ। और ये मेरा सैंडविच मेकर, मैंने इसमें जल्दी से सैंडविच बनाए शामी कबाब के, और उसमें सारा मज़ेदार सा सॉस बना के खीरा वीरा रख के बड़ा अच्छा सा सैंडविच बना दिया था। सो यहाँ पर देखें प्लेटर बन गया है और ये मुझे बहुत पसंद आता है अपना प्लेटर जब ये तैयार हो जाता है ना, फुल हो जाता है। तो आज मैं भेजूँगी अपनी जेठानी के यहाँ, सबके एक एक प्लेट मैं भेज चुकी हूँ, तो बस यही इसी तरह चलता रहता है। और ये देखें इसका जो कवर देख रहे हैं, ये मेरी अम्मा ने शादी पे सी के दिया था, एक चकोर ट्रे के साथ है और एक गोल्ड ट्रे के साथ। तो बड़ा मज़ा आता है इसमें अफ्तारी भेजने में और बड़ा अच्छा अच्छा सा लगता है, रमज़ान की वाइब्स आती हैं इसमें। तो यहाँ पर जो है अरबिश जा रही है फटाफट से, और मैं इतनी फारिग काम कोई भी नहीं था कि मैं जल्दी जल्दी से वीडियो भी बना रही हूँ, सब कर रही हूँ। और उसके बाद जो है अम्मी के घर आ गई थी। जितना मैंने अम्मी से कहा था कि मैं आप चली आएंगी तो मैं बहुत कम आऊँगी, और उतना ही ज़्यादा आना पड़ रहा है बस। तो यहाँ पर बच्चे जो है इफ्तारी के बाद से आए हुए थे और मेरे हस्बैंड भी कहीं जा रहे थे और हम बोर हो रहे थे, लाइट भी गई हुई थी, तो मैंने कहा मुझे छोड़ दें। तो फिर हम लोग यहाँ पर आ गए थे और बच्चे खेल रहे थे, खूब मज़ा आया। जो है अरे इधर उधर की बातें चल रही थी, अम्मी से फिर कॉल पे बात हुई, वीडियो कॉल, बहन से भी बात हुई, तो बस यही सब था। और यहाँ पर जो है लड़ाई हो गई, देखें पीछे लड़ाई हो रही है, गाड़ी के ऊपर लड़ाई हो जाती है छोटे बहन भाइयों की। तो बस यहाँ पर जो है ना यही हंसी मजाक चल रहा था। और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, और मैंने बहुत दिनों बाद कोशिश की व्लॉग बनाने की, तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।